हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नैन्श्री क्लासेस एंड दिस इज नैन्श्री। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग एकदम अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। पैट की तैयारी भी आपकी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। आज मैं आप सभी से बहुत दिनों बाद इस तरीके से इंटरेक्ट कर पा रही हूँ, क्योंकि इस बीच बहुत ज़्यादा आपकी जो है पैट की क्लासेस देने की वजह से मैं इंटरेक्ट नहीं कर पाई हूँ। और आज मैं काफ़ी दिन बाद आप सभी को इस तरीके का वीडियो दे रही हूँ, क्योंकि आज मैं इस बारे में चर्चा करने वाली हूँ कि आखिर ये शिक्षावीर जो बहुत ज़्यादा आप लोगों का ट्रेंडिंग में चल रहा है, ये क्या है। जैसे आपका थोड़े दिन पहले अग्निवीर था और ये अब आपका शिक्षावीर आपका बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है और हर जगह इसी के बारे में चर्चा चल रही है, तो इसी बारे में आज हम लोग बात करेंगे। देखिए, जिस तरीके से आप लोग देखते होंगे कि सोशल मीडिया जो हमारा आजकल एमर्ज होके आ रहा है, तो यहाँ पर कोई सी भी चीज़ अगर एक बार रिमर बनी तो फिर वो आपकी फैलती ही जाती है। और ये आपके सोशल मीडिया का सबसे बड़ा ड्रॉबैक कहें हम तो ये ड्रॉबैक ही है कि एक कोई गलत चीज़ है वो भी आपकी जो है इस तरीके से फैला दी जाती है कि लोगों को उसको भी सच मानना पड़ता है, क्योंकि वो इतनी जगह दिखा दिया जाता है आपको। तो आपको बता दें कि ऐसा कुछ भी नहीं है आपका, और ऐसे शिक्षावीर नाम से भी कुछ भी ऐसा नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से। जैसे अग्निवीर था तो आप सभी को लग रहा होगा कि शिक्षावीर भी ऐसा कुछ आपका होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इन सब र्यूमर्स से आप दूर रहें तो ही ज़्यादा अच्छा है। जो आपका ऑथेंटिक मटेरियल है सिर्फ उसी को देखें, फालतू के चीज़ों में ना पढ़ें तो अच्छा है। और ये समय आपका सिर्फ इस चीज़ का है कि आप अपनी तैयारी पर ध्यान दें। देखिए, गवर्नमेंट कहीं ना कहीं से वैकेंसी आपको देती है, हालांकि ये बात बिल्कुल सच है कि जब हम टीचिंग की बात करते हो तो यहाँ पर हमारी जो प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा स्लो चलती है। तो ये ड्रॉबैक कह सकते हैं आप कि हम लोग यहाँ पर सालों वेट करते हैं तब जाके हमें एक वैकेंसी मिलती है, और बच्चे भी कई सालों से वेट कर रहे हैं वैकेंसी का। तो सरकार भी वैकेंसी भी नहीं बताती है कि कब तक देगी, किस महीने में आपका एग्ज़ाम होगा, किसी को कुछ भी नहीं पता है। बट यही हमारे पास समय है कि इस टाइम हम अपने आप को इतना मजबूत कर लें, हम अपने आप को इतना ज़्यादा पढ़ाई में लीन कर लें कि हमारे सारे सब्जेक्ट इस तरीके से तैयार हो जाएँ कि आगे चल के अगर हम कोई एग्ज़ाम दें तो हम उस एग्ज़ाम में अच्छे से क्वालिफाई कर पाएँ, उस एग्ज़ाम को अच्छे मार्क्स ला पाएँ। कई बार ऐसा होता है कि हमें जो टाइम दिया जाता है हम उसमें पढ़ाई नहीं करते हैं, फिर अंत में जाके ये होता है कि एक एक दो दो मार्क्स से रह जाता है। तो जो 2 साल की प्रोसेस थी फिर वो 5 साल की हो जाती है आपकी। तो इन सब चीज़ों पर ध्यान दीजिए। आपसे मैं रिक्वेस्ट यही करूँगी कि फालतू की चीज़ों से बचें, ऑथेंटिक मटेरियल देखें, ऑथेंटिक चीज़ें ही देखें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी पढ़ाई पर भी फोकस रहें। रील देखने से कुछ नहीं होता है, ऐसे स्वाइप करने से कुछ नहीं होगा, कॉपी के पन्ने पलटने से बहुत कुछ हो सकता है। सो आपके डिसीजन आपके हाथों में है, आप क्या करना चाहते हैं। तो मैं तो यही कहूँगी कि ऑल द वेरी बेस्ट। आप लोग अभी पैट एग्ज़ाम के लिए अच्छे से तैयारी करिए। जैसे ही आपका पैट का सिलेबस खत्म होता है और आपके मैक्सिमम सब्जेक्ट खत्म हो ही गए हैं, उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगी, और साथ में आपको सुपर टेट के लिए, KVS एग्ज़ाम के लिए, CTET एग्ज़ाम के लिए, UPTET एग्ज़ाम के लिए मैं आपको यहाँ पर चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़ाऊंगी। शुरुआत से जैसे आपको बाकी सारे सब्जेक्ट्स मैंने पढ़ाए हैं, ऐसे ही आपको ये सारे सब्जेक्ट्स भी पढ़ाए जाएंगे, और GS भी आपको पढ़ाई जाएगी सुपर टेट के लिए, KVS के लिए। सो आप लोग इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रहिए और अपनी पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच।